بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everything will be fine. Today we will discuss chemistry class 10 federal board chapter 10 acid bases and salts think tank questions. क्वेश्चन नंबर वन है जी, व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सॉल्यूशन. पहला है एसिडिक. एसिडिक में क्या होता है कि एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है. फॉर एसिडिक सोल्यूशन ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन इज लेस देन एच प्लस आयन कंसनट्रेशन. बेसिक ओ एच माइनस आयन की जो है वो एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन से ज़्यादा होती है. फॉर बेसिक सोल्यूशन ओ एच माइनस आइन कंसनट्रेशन इज ग्रेटर दैन एच प्लस आइन कंसनट्रेशन. न्यूट्रल में क्या होता है कि ओ एच आइन की कंसनट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है एच प्लस आइन कंसनट्रेशन के. फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन ओ एच माइनस आइन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू एच प्लस आइन. क्वेश्चन नंबर टू है, कोडीन सी एटीन एच ट्वेंटी वन एन ओ थ्री इज कॉमनली प्रिस्क्राइब पेन किलर. इट डिजॉल्व्स इन वाटर बाई द फॉलोइंग रिएक्शंस. C18H21NO3 प्लस H2O और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C18H21NO2 प्लस प्लस OH माइनस. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि H2O ने अपना जो है वो प्रोटॉन C18H21NO3 को डोनेट किया है और ख़ुद वो बन गया है हाइड्रोक्साइड आयन और वो क्या बन गया, C18H21NO3 प्लस. अब हमने क्या करना, आइडेंटिफाई कोडीन एंड वाटर एज ब्रोंसिड लोरी एसिड और बेस. कोडीन दैट इज C18H21NO3 इज कन्वर्टेड टू C18H21NO2 प्लस बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिड लोरी थ्योरी ऑफ बेस, अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज नोन एज ब्रोंसिड लोरी बेस. सो कोडीन इज अ बेस. वाटर H2O is converted to OH- by donating a proton. Therefore, according to Bronsted-Lowry theory of acid, a substance that donates a proton is known as Bronsted-Lowry acid. So, H2O is an acid. Question number 3 suggests some ways in which you might determine whether a particular water solution contains an acid or base. हमने कुछ ऐसे ways बताने हैं जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकें कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है. फर्स्ट मेथड क्या है जी कि हम लिटमस पेपर के यूज़ करें. बाय यूजिंग लिटमस पेपर, इफ लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इट इज़ बेस एंड इफ लिटमस पेपर टर्न्स रेड इट इज़ एसिड. अगर हम लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डालें और उसका कलर जो है ब्लू हो जाए तो ये क्या है, सॉल्यूशन बेसिक है. और अगर लिटमस पेपर का कलर जो वो रेड हो जाए तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है. एन इंडिकेटर सॉल्यूशन सच एज मिथाइल रेड ब्रोमोथाइमोल ब्लू फिनोल फिथिलीन एटसेट्रा विल बी यूज्ड टू डिटरमिन वेदर वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और बेस. हम एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. बाय यूजिंग पीएच मीटर, pH meter can also be used to determine whether water solution contains an acid or base. और pH meter से हम क्या मालूम कर सकते हैं कि जो solution है वो acidic है या basic है. ये कैसे होगा कि अगर pH meter की reading जो है वो 7 से कम आ जाए तो solution क्या है, acidic है. और अगर वो 7 से बड़ी आ जाए तो वो क्या है, basic है. Now question number 4, the table below shows the colors of two indicators in acidic and alkaline solution. Indicator A, B, हमें दो indicator दी हुई हैं. Color in acidic solution, जो indicator A का color है वो red है और B का जो है वो colorless है. Color in alkaline solution, A का blue है और B का red है. अब हमसे पूछा गया क्या है, what will be the color of indicator A in a solution of pH 3? अब pH 3 वाली जो सॉल्यूशन वो क्या है, एसिडिक होती है. तो जो कलर है इंडिकेटर एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, रेड है. तो इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3 द कलर ऑफ इंडिकेटर इज रेड. इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 10 ये क्या है, बेसिक है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है. तो जो इंडिकेटर है उसका जो कलर है अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर वो ब्लू है. तो pH 10 वाले जो सॉल्यूशन उसके अंदर भी इंडिकेटर ए का कलर वो ब्लू होगा.
As pH is equal to 10 is an alkaline or basic solution, so the color of indicator A is in this solution is blue. Now यही table continue हो रहा है. इसका जो part B हमसे पूछा गया, but will the color of indicator be in the solution of pH 5? pH 5 के अंदर indicator B का color क्या होगा? आप pH 5 भी जो है वो acidic है, तो indicator B का acidic solution के अंदर कोई color नहीं है, वो colorless है, तो यहाँ पे भी वो कोई color नहीं show करेगा, बल्कि colorless होगा. As pH is equal to 5 is an acidic solution, so indicator B in this solution appears colorless. When a few drops of indicator B are placed in a solution X, it turns red immediately. What can you deduce about the properties of solution X? When a few drops of indicator B are placed in a solution X, it turns red immediately. This turning of color of indicator B into red represents the solution is alkaline or basic. अब जो इंडिकेटर बी का कलर है अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, रेड है. और हमें क्वेश्चन में भी क्या कहा हुआ है कि हमने इंडिकेटर बी डाले किसी सॉल्यूशन के अंदर और उसका जो कलर है वो रेड हो गया है, तो हम इससे क्या डिड्यूस करते हैं? तो हम यही डिड्यूस करते हैं कि जो सॉल्यूशन एक्स है वो क्या है, अल्कलाइन है या बेसिक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी. बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टक टू आवर टीथ एंड चेंज इट इनटू एसिड. Explain how using toothpaste of pH 10 can help to prevent acid from damaging our teeth. The toothpaste of pH 10 is alkaline or basic. This pH of toothpaste helps neutralize the plaque acid which causes tooth decay. अब pH 10 वाला जो solution है वो क्या है, basic है. और जो हमारे teeth के जो food struck हो जाता है, food हमारे टीथ्स के दरमियान, वो क्या होता है, एसिडिक होता है. तो जब हम पीएच 10 वाला जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और जब हमारे टीथ के दरमियान जो फूड स्ट्रक है उससे इंट्रैक्ट करता है, तो उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे जो है वो टूथ डिके अकर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 है जी. कैन अ सब्सटेंस बी अ लेविस एसिड विदाउट बीइंग अ प्रोनस्टेडलोरी एसिड? आरक्यू, हमने आर्ग्यूमेंट करना है कि कोई सब्सटेंस लेविस एसिड हो सकता है विदाउट बीइंग अ प्रोनस्टेडलोरी एसिड. तो इसका आंसर है यस, अ सब्सटेंस कैन बी अ लेविस एसिड विदाउट बीइंग अ प्रोनस्टेडलोरी एसिड बिकॉज देयर आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन्स. जो कि प्रोनस्टेडलोरी एसिड की डेफिनेशन है कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है बट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऐसे कौन से सब्सटेंस है, बहुत से सब्सटेंसेस हैं. BF3 कंटेन्स नो प्रोटॉन, सो इट इज नॉट अ ब्रोंसिलोरी एसिड. BF3 के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है तो वो क्या है, ब्रोंसिलोरी एसिड नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड बोरॉन इन BF3 हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एंड अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड थ्योरी, a substance that can accept a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. So BF3 is a Lewis acid but not bronchiolary acid. जो BF3 के अंदर boron है उसके अंदर क्या है, incomplete octet है. उसे दो electron चाहिए ताकि वो अपना octet complete कर सके, जिसकी वजह से वो electron pair acceptor और Lewis के कहता है. ऐसा substance जो कि electron pair acceptor और to form coordinate covalent bond वो क्या है, Lewis एसिड है. तो हमने इससे क्या डिड्यूस किया कि BF3 जो है वो एसिड नहीं है अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिलोरी थ्योरी, लेकिन वो एसिड है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड. तो ये बात क्या हो गई, सच हो गई कि अ सब्सटेंस बी अ लेविस एसिड विदाउट बीइंग अ ब्रोंसिलोरी एसिड. नाउ दैट्स ऑल अबाउट थिंक टैंक क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर फ्रेंड्स. And press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any suggestion or query, put a comment in the comment section box. Inshallah, in our next video, we will discuss chemistry class 10, chapter 11, organic chemistry self-assessment exercises. Till that time, take care. Allah Hafiz.